Hey guys, welcome back to the channel Doc Rider. So yes, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओला की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में. इसमें मैं आपको वीडियो में पूरा उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स ओला ने प्रोवाइड किए हैं और क्या उसको अलग बनाता है अदर इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से जो कि हमारे मार्केट में अभी अवेलेबल हैं. प्राइस क्या रहेगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा. वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है. Hey guys, welcome back to the channel. So, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में. तो अगर हम बात करें पावर और परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें जो है आपको 8500 वॉट्स की जो है बैटरी या पावर जो है वो 8500 वॉट्स की बैटरी प्रोवाइड करी गई है, जिसका जो पावर वो पूरा देती है, रेटेड पावर वो करीब करीब 5500 वॉट्स की है. प्लस आपका जो टॉर्क है, यस टॉर्क इसका बहुत ज़बरदस्त है, 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि अच्छी खासी बाइक्स जो पेट्रोल बाइक्स या पेट्रोल स्कूटर्स को बहुत धूल छटा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉर्क दिया गया है. इसकी जो रेंज अभी तक आई है वो रेंज करीब करीब इसकी जो है 181 किलोमीटर की बताई जा रही है. प्लस अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें बताई गई है, जो कि S1 मॉडल अगर हम बात करते हैं तो S1 मॉडल जो है वो करीब 0-40 पहुंचता है 3.6 सेकंड्स में. और अगर हम S1 प्रो की बात करें तो S1 प्रो जो है वो करीब करीब पहुंचता है आपका 3 सेकंड के अंदर 0-40. जी हाँ, बहुत अच्छा खासा स्पीड है. तो बैटरी के ऊपर हम आते हैं, बैटरी चार्जिंग टाइम इसका कितना लेती है, तो करीब करीब 5 घंटे का बैटरी टाइम लेती है ये. फास्ट चार्जिंग पे अगर आप करते हैं तो ये 75 किलोमीटर की रेंज, यानी कि हाफ बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट 50% बैटरी 18 मिनट्स में चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर पे. बैटरी कैपेसिटी जो है वो 2.98 kWh की है इसकी. बैटरी टाइप जो है वो जो इसमें प्रोवाइड करी गई है वो लिथियम आयन टाइप की है. तो चार्जिंग जो है इसका पोर्टेबल चार्जर मिलता है जो कि 750 वॉट का है. तो पावर और परफॉर्मेंस के मामले में अगर देखें तो ये काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक स्कूटर का नेक्स्ट लेवल आप बोल सकते हैं. काफ़ी हद तक मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं जो कि बहुत कम पावर में है, अगर आप चेतक इलेक्ट्रिक की बात करते हैं या TVS iQube की बात करते हैं या इवन एथर की बात करते हैं, तो एथर से भी इसका काफ़ी कंपैरिजन किया जा सकता है और काफ़ी बेटर है. सो यस, ब्रेक्स और व्हील्स की बात करें, अगर हम ब्रेक्स व्हील्स एंड सस्पेंशन, तो ब्रेक्स जो हैं इसमें आपको मिलते हैं दोनों तरफ पे, दोनों एंड पे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है डिस्क है वो है करीब 220 mm का और रियर का जो डिस्क है वो 180 mm का है. इसमें CBS मिलता है, यानी कि कॉम्बिनेशन कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, जो कि हम नॉर्मल स्कूटीज़ में होंडा की या काफ़ी सारे स्कूटीज़ में आता है, शुरू से ही आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो इसमें देखा जा सकता है. अगर हम टायर्स की बात करें तो टायर्स जो है इसके 12 इंच के टायर मिलते हैं, जो कि सेक्शन है 110/17 R12. तो यानी कि आपको आगे पीछे सेम साइज़ के ही टायर मिलते हैं और अलॉय व्हील के साथ मिलते हैं टायर. फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, फ्रंट सस्पेंशन में इसमें जो है आपका सिंगल फोक सस्पेंशन मिलता है, जो कि देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है और उसका लुक भी बहुत अच्छा निकल के आता है, क्योंकि एक साइड से पूरा अगला टायर जो है वो फ्री दिखता है और एक साइड आपका जो है फोक दिखाई देता है. रियर सस्पेंशन की बात करें अगर, तो हम ये मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आता है, तो मतलब आप वही मोनोशॉक है, सिंगल शॉकर हुआ, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक इसका अपील है. और ये जो स्कूटर है ये करीब 10 कलर्स में अवेलेबल है और एक ही जो पैनल्स हैं इसके वो एक ही कलर के हैं. और हेडलाइट की अगर हम बात करें तो हेडलाइट बहुत सुंदर है, स्क्वायर शेप में है, मतलब काइंड ऑफ इस शेप की है, रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर दो जो पॉड्स दिए हुए हैं सर्कुलर राउंड जो है वो बहुत सुंदर लगते हैं. तो अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट जो है इस स्कूटर का करीब करीब 121 kg का है, 121 kg लेंथ में ठीक ठाक है, 1859 mm के आसपास इसकी लेंथ है. विड्थ की बात करें तो 712 mm की विड्थ है इसमें. और ओवरऑल जो है आप अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा मिलता है, 165 mm का, जो कि काफ़ी हद तक इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छा है. और जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स और रोड बम्प्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है. सीट हाइट यानी कि अपनी सैडल की बात करें तो 792 mm की इसकी सीट हाइट है, जो कि हमारे एवरेज इंडियन जो हैं
उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे से आप चला सकते हैं इसमें जो चेसी मिलती है। तो अब आते हैं इनके फीचर्स पे, फीचर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। फीचर्स इसमें इन्होंने नेक्स्ट लेवल दिए हैं, आपको ओडोमीटर जो है वो डिजिटल मिलेगा, आपको टच स्क्रीन मिलती है, 7 इंच की टच स्क्रीन है जो कि 3 GB रैम के साथ मिलती है, तो मतलब आपको स्टोरेज भी मिलता है। DRLs आपको डे रनिंग लाइट्स इसमें दिए गए हैं, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलती है, GPS एंड नेविगेशन मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिलता है, हाँ जी, और आर्टिफिशियल साउंड का भी ऑप्शन है। प्लस आपको इस पर राइडिंग मोड्स मिलते हैं जो कि 2 राइडिंग मोड्स हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट, और आपको इसमें कीलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी लॉक एंड अनलॉक, यानी कि आप जब स्कूटर के पास आते हैं तो लॉक अनलॉक की फैसिलिटी मिलेगी ऑलमोस्ट, बिकॉज कीलेस एक्सपीरियंस है तो उस तरीके के फीचर्स इन्होंने दिए गए हैं। प्लस आपको जो बूट है, बूट की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक की सबसे अच्छी इसमें 36 लीटर्स की बूट स्पेस है, तो आप 2 हेलमेट आराम से इसमें रख सकते हैं, और 36 लीटर काफ़ी होता है, मतलब आपको कुछ ग्रॉसरी परचेज़ करनी है या आपको कहीं जा रहे हैं आपको हेलमेट रखना है या कुछ छोटा मोटा लगेज रखना है तो वो बहुत ईजीली इसमें रखा जा सकता है। प्लस इसमें जो है आपको गेट होम मोड्स, टेक मी होम और लिम्प मोड और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें आपको जो है एक रिवर्स गियर मोड जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है S1 के अंदर। इसके 2 मॉडल अभी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं जो कि सितंबर में उनकी बुकिंग चालू होकर सितंबर के बाद डिलीवरी चालू हो जाएंगी। तो S1 की अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो S1 जो है आपको 99,999 मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख 1 लाख रुपये में जो है आपको वो मिलता है एक शोरूम। कॉस्ट वेरी कर सकती है, जगह पे डिपेंड करता है। प्लस S1 Pro की अगर हम बात करते हैं तो S1 Pro में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, उसमें पावर आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है, जैसे कि अगर हम 0-40 एक्सलरेशन की बात करते हैं तो वो करीब 3 सेकंड के अंदर कर देता है, 0.6 सेकंड जो है वो थोड़ा सा फास्टर है। प्लस अगर हम उसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग जो है उसकी करीब करीब 1,29,999 रखी गई है, और ओला की तरफ से ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट पेश किया गया है जो कि एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक का, जैसे कि जैसे फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है तो लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जाने लगे हैं। मैं भी अगर बात करूं तो पहले इलेक्ट्रिक कार्स बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी, स्कूटीज़ नहीं दिखाई देती थी, कम दिखाई देती थी, बट अब क्या हो रहा है जब से टाटा ने मार्केट में अपने इलेक्ट्रिक फ्लीट निकाली है, नेक्सोन हो गई या आपकी टिगोर हो गई, वो खैर कमर्शियल में ज़्यादा थी बट नेक्सोन भी काफ़ी दिखाई देती है, प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमें बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, और ये स्कूटर एक गेम चेंजर हो सकता है इंडियन मार्केट में क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट काफ़ी अच्छा है, कम्पिटिटिव है। प्लस इसके जो फीचर्स दिए गए हैं और आपको जो रेंज मिलती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इन द सेंस कि काफ़ी अच्छे जो पुराने एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करता है, बे इट बजाज, बे इट TVS या फिर आप एथर से अगर बात करते हैं तो उन सबसे काफ़ी बेटर है। प्लस ओकिनावा का भी अगर हम बात करें तो उससे भी ये बहुत अच्छा है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर एक और अच्छे से वीडियो में। आपको ड्रिल पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस, बाइक टिप्स और बहुत कुछ डालता हूँ अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है।